भारत देश और आपके साथ मैं हूँ ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। अनपरा थाना के पराशी पूर्विका जहां पर एक एमसीएल फैक्ट्री में सटा हुआ 6 बीघा 12 बीघा 10 धूर की भूमि देवराज देवी के पति व ससुर के नाम से है। पूर्व में कुछ जमीन एनसीएल के द्वारा अधिग्रहण की गई थी, लेकिन आवश्यकता से अधिक वह मुआवजा न देने के कारण जमीन वापस कर दी गई, जिसकी डी नोटिफिकेशन भी किया जा चुका है। चूंकि मामले की नार्दन कोलफील्ड की फैक्ट्री से सटा हुआ है, जिसकी कीमत आज के समय में करोड़ों की है, जिस पर भूमाफियाओं की निगाहें लगी हुई। आपको बताते चले कि पीड़ित अनुसूचित जनजाति के तथा गरीब हैं, वह अपने जमीन पर समतलीकरण का कार्य करा रही थी। उसी दौरान चौकी प्रभारी भूमाफिया को लेकर जमीन हड़पने की नियत से कार्य बंद कराने लगे। तब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ बदतमीजी की गई तथा पीड़िता को चौकी प्रभारी रेणु सागर के द्वारा निलंबित कर दिया गया। अब ग्रामीण इकट्ठा हुए तो चौकी इंचार्ज रेणु सागर के द्वारा ये धमकी देते हुए उनके तगाड़ी फावड़ा कहंगा सब बल तथा ले गए 1 लाख रुपये, यहाँ 5 बिस्वा जमीन हमारे नाम कर दो, अन्यथा तुम लोगों इसी तरह मार देंगे, मर्यादा भंग कर जिंदा मार डालेंगे, नंगा करके पूरे क्षेत्र में घुमाएंगे और पूरे परिवार के ऊपर ऐसी धाराओं में मुकदमा ला देंगे कि पूरा जीवन जेलों में सड़ोगे। माता जी, आज आप कलेक्ट्रेट में आई हैं, क्या समस्या है आपकी? साहब जमीन था हमारा पत्र करात रही, जब हल्ला वल्ला होवा लागल जदी बेसरा सब देखा के चल गए फिर बाद में पुलिस वाले सब आ गए ना, तहन लगना कुदा कुदा हमें मारे पीटा फर उभा गया ता फरसा अधर का खींच के हमें अस्पताल उधर का हाथ खींच के फिर साड़ी खींच दे मैंने सया पर हो गई। फिर एक बाद में छोटकी पदों को देखा था तो सबसे सब ये लोग भागा लगना था, फिर कुछ हम अंगने पहुँच गया ना दरोगा चौकी प्रभारी पैसा मांग रहा था कि 5,000-5 लाख रुपया दे, नहीं 1 लाख रुपया देंगे आप, एक बाद में 5 बिस्सा जमीन देंगे तब आपको छोड़ें सब सब प्राणी को ले जाकर जेल कर देंगे, पुरोहते में जाके जेल में सड़ोगे सब लोग। वो जमीन आपकी है ना? जमीन हमारी है। अच्छा, तो किस बात का पैसा मांग रहे हैं? ना देवे पैसा तो बंद करा देवे ना दे पैबा यहाँ। अच्छा, मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती कर रहा कि हम यहाँ के ना रह दे, सब प्राणी भगा दे। आपकी जमीन को जबरदस्ती हड़पने की चाह है हम लोगों की, इसमें चौकी प्रभारी क्या मदद कर रहे हैं उनकी? क्या मदद कर रहे हैं कि वो लोग भाई भाजपा वाला लगा पार्टी लगा उनका बढ़िया वही बनल बान हमारे गरीब आदमी लगे। अच्छा, सूचे जनजात महिला है वही भैया गरीबन है रहा तो हम ना बनवा ली। अच्छा, पूरा पूरा परासी मने सब बना ले हैं, हमारे पास पैसा था हम बनवा ले, फिर पैसा देता ना बनवाऊंगे। अभी एडीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो देहे वाला लिख लो के पढ़े लिखे हमारे आई ही नहीं कि हमें कुछ पढ़े हुए हम कार्रवाई करेंगे देखेंगे आपका काम होगा। ठीक है माता जी, धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है पहले अपना परिचय बता दें। नंदलाल आर्या है। सर किस मामले में आप लोग आज जिला कलेक्ट्रेट में आए थे? पहले तो हम कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री हैं CPIM के जी सोनभद्र के, हमारा जन संगठन अनपरा में चल रहा है, वो CI2 है, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन है, किसान सभा है, महिला संगठन है जी, और हमारे पार्टी के जिन संगठन के ये सदस्य हैं जी देवराजी, इनकी जमीन जो है पुश्तैनी जमीन है, भमदेरी जमीन है, कुछ वहाँ के माफिया हैं बैसवार, वो जगदीश बैसवार वो भाजपा के नेता हैं और वहाँ के भूमाफिया हैं, बहुत कई लोग भूमाफिया मिल करके इनके ज़मीन को हड़प रहे हैं। NCL ने अधिग्रहण किया था लेकिन मुआवजा नहीं दे पाया था, इसके बाद नोटिफिकेशन के द्वारा इनकी ज़मीन को वापस किया, सारे लोग जितने लोगों को ज़मीन उन्होंने वापस किया सभी लोग अपने ज़मीन पर काबिज हुए और ये भी काबिज हैं, कुछ ज़मीन पर कुछ ज़मीन खाली पड़ा था इनका। तो ये जो भूमाफिया हैं बैसवार जो हैं वहाँ के जगदीश बैसवार जो भाजपा के नेता बनते हैं सत्ताधारी, वो चौकी इंचार्ज से मिल करके चंद्रभान सिंह जो चौकी इंचार्ज हैं रेणु सागर के, उनसे साठगांठ करके इनकी ज़मीन को हड़पवाने के नियत से एक बहाना लगा करके कि यह ज़मीन जो है कि नाले की है, फैक्ट्री के नाले की है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उस पर जांच अधिकारी पूर्व में कई बार SDM लेखपाल कानगो और जो थाना अध्यक्ष रहे हैं अनपरा के, वो लोगों ने जांच रिपोर्ट भी दिया है, विधिवत जांच रिपोर्ट मेरे पास है, हमने इनको अपर जिलाधिकारी को दिया है, आज भी दिए हैं, उन्होंने बात भी किया है अथास्थित के लिए, वो भौतिक सत्यापन के लिए उन्होंने आदेश भी दिया है क्षेत्रीय दरोगा को लेखपाल कानगो के लिए दिए हैं। इस संदर्भ में हम पुलिस अधीक्षक से भी मिले, मुलाकात नहीं हुई, और अपर साहब से मुलाकात हुई है, पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक साहब से, उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और न्याय करेंगे। धन्यवाद सर।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।